पाठ 15 शब्द भंडार वोकैबुलरी। हिंदी भाषा में कुछ शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। संस्कृत भाषा के मूल शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं तथा वही शब्द हिंदी में रूप बदलकर प्रयोग किए जाने पर तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव और तत्सम शब्द। तद्भव तत्सम कान कर्ण आम आम्र लाज लज्जा सांप सर्प आज अद्य लोहा लोह अमोल अमूल्य उजला उज्जवल कांटा कंटक बूंद बिंदु कंधा स्कंध कुत्ता कुक्कर कुक्कुर दिन दिवस दही दधी भौरा भ्रमर अक्षर अक्षत। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द सिनोनिम्स। परिभाषा समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। शब्द पर्यायवाची भगवान ईश्वर प्रभु परमेश्वर गाय धेनु गौ सुरभि आंख नेत्र लोचन नयन कमल सरोज जलज अरविंद नदी सरिता तटिनी आपगा धरती भू भूमि धरा माता अम्बा जननी धात्री रात्रि रजनी निशा यामिनी असुर राक्षस दैत्य दानव अर्थ धन कारण सोना जल वारी पानी नीर अचल पर्वत पक्का गतिरहित बादल जलत जलधर मेघ स्वर्ग सूरलोक परमधाम देवलोक लक्ष्मी रमा कमला चंचला गृह निकेत घर भवन। विलोम शब्द एंटोनिम्स। परिभाषा किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। मोटा पतला काला गोरा लंबा छोटा। उपरोक्त उदाहरणों में परस्पर जोड़ा बने हुए शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ रखते हैं। ऐसे शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। शब्द विलोम अमृत विष अंधकार प्रकाश कड़वा मीठा जड़ चेतन अनुकूल प्रतिकूल अगला पिछला इच्छा अनिच्छा देव दानव आशा निराशा जल थल सत्य असत्य प्रातः सायं लाभ हानि गरीब अमीर पाप पुण्य मित्र शत्रु चंचल स्थिर धर्म अधर्म अगम सुगम अर्थ अनर्थ। वाक्यांश के लिए एक शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। परिभाषा वह उपयुक्त शब्द जो किसी वाक्यांश के लिए शीर्षक का कार्य करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। कम शब्दों में अपनी बात कहना अच्छा होता है। ऐसे ही वाक्यांश को एक शब्द में कहना नीचे दर्शाया गया है। एक सीमा काम से जी चुराती है सीमा कामचोर है। दो ईश्वर सब कुछ जानता है ईश्वर सर्वज्ञ है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में दूसरे वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली है। कामचोर सर्वज्ञ को वाक्यांश के लिए एक शब्द कह सकते हैं। वाक्यांश शब्द एक दोपहर बाद का समय अपराहन दो जीवन भर रहने वाला आजीवन तीन जिसमें दया हो दयालु चार जिसने पाप किया हो पापी पांच बुरे आचरण वाला दुराचारी छह जिसका भाग्य अच्छा हो सौभाग्यशाली सात स्पष्ट बोलने वाला स्पष्टवादी आठ जो पढ़ा न जा सके अपठनीय नौ जो मरता न हो अमर दस जिसके आने की तिथि मालूम न हो अतिथि ग्यारह जो कुछ भी न जानता हो अज्ञानी बारह जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक तेरह जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी चौदह प्रतिमाह होने वाला मासिक पंद्रह जिसे भय न हो निर्भय